हेलो दर्शक मित्रों, आप देख रहे प्राचीन भारत यूट्यूब चैनल डेली इतिहास में आपका स्वागत है। डेली इतिहास के नए एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं हसमुख धीरजलाल सांकलिया के बारे में। हसमुख धीरजलाल सांकलिया एक भारतीय संस्कृत विद्वान और पुरातत्वविद थे, जो प्रोटो और प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेषज्ञता रखते थे। उन्हें भारत में पुरातात्विक उत्खनन तकनीकों का अग्रणी माना जाता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर उनके श्रेय तक कई महत्वपूर्ण खोजें हैं। सांकलिया को 1966 में रंजीतराम सुवर्ण चंद्रक पुरस्कार मिला और 1974 में पद्म भूषण भी मिला। चलिए अब हम उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बात करते हैं। सांकलिया का जन्म मुंबई में गुजरात के रहने वाले वकीलों के परिवार में हुआ था। 15 साल की उम्र में सांकलिया ने लोकमान्य तिलक के द आर्कटिक होम इन द वेदों का गुजराती अनुवाद पढ़ा। इसके लिए सांकलिया ने तिलक का अनुकरण करने और संस्कृत और गणित का अध्ययन करने का फैसला किया। उन्होंने संस्कृत में बीए की डिग्री प्राप्त की और चिमनलाल रंगलाल पुरस्कार प्राप्त किया। सांकलिया ने भारतीय प्रागितिहास के अपने जीवन का कार्य बना लिया और इंडो आर्यन लोगों की उत्पत्ति की दृष्टि कभी नहीं खोई। उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया, जिसने उन्हें शाब्दिक आलोचना से परिचित कराया और कुंदमाला और उत्तर रामचरित पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने दृढ़ता से साबित किया कि दीननाग ने बहुभूति को प्रभावित किया। बंगाली विद्वान के दत्त सांकलिया के स्वतंत्र रूप से इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे। सांकलिया ने एक भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान संस्थान में अपनी एमए की डिग्री के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया और अपने एमए शोध प्रबंध के लिए नालंदा में प्राचीन विश्वविद्यालय में काम किया। उनके शोध प्रबंध में इतिहास कला और वास्तुकला, आइकनोग्राफी और ग्रेटर इंडिया पर नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रभाव पर अध्याय शामिल थे। सांकलिया ने कई स्थलों का दौरा किया और बी भट्टाचार्य के साथ बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इन अध्ययनों के कारण उन्हें बाद में गुजरात का अध्ययन करना पड़ा। इसने LLB पास की है उनके पिता और चाचा के अनुरोध पर परीक्षा दी गई थी और उनसे उनके पालन की अपेक्षा की गई थी। हालांकि सांकलिया ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। सांकलिया ने कॉलेज डे पर एक क्रिकेट टीम की कप्तानी की। उन्होंने पतंगबाजी और बागवानी का भी आनंद लिया। सांकलिया इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और गुजरात के पुरातत्व पर PhD के लिए लंदन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने बर्नार्ड एस्मोल, सिडनी स्मिथ, KDB संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व और REM व्हीलर के तहत अध्ययन किया। रिचर्ड से सांकलिया ने भूगोल, भूविज्ञान, नृविज्ञान, नृवंश विज्ञान और स्थलाकृति सीखी। उन्होंने उत्तरार्ध पर ध्यान केंद्रित किया। इसे गुजरात और अन्य जगहों पर शिलालेख पर लागू किया। सांकलिया ने अपने
छात्रों को भारतीय पुरातत्व में एक नया क्षेत्र खोलने के लिए स्थलाकृति का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए अब हम उनकी खोजों के बारे में बात करते हैं। दक्कन में पुरापाषाण काल की खोज नारसिक जोरवे, महेश्वर नवदातोली, नेवासा, कश्मीर में प्रारंभिक मानव, इनाम गांव, सच्चिदानंद में प्रारंभिक मानव जैसे कई खोजें उन्होंने की थी। सांकलिया को 1976 में उनकी पुस्तक अखंड भारत में संस्कृतियों उषा काल के लिए नर्मद सुवर्ण चंद्रक प्राप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।